वार्ड 21 फकीराखेड़ा में क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के बीच सामग्री न मिलने से आ रही है परेशानी। पार्षद व प्रशासन की तरफ से नहीं करवाई जा रही सुविधा। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लॉकडाउन जारी, ऐसे में कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का कार्य जारी है, लेकिन आज वार्ड 21 के फकीराखेड़ा गांव के क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पर इनका कहना है कि पार्षद मोहन लालवानी को कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन उन तक फिर भी राशन की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जो मदद हो रही है वे केवल कुछ भामाशाओं या फिर चंदा इकट्ठा करके लोग बाग अपने घरों में सामग्री ला रहे हैं। इसलिए प्रदर्शन करके ये मांग की गई कि उनकी भी समस्या का निस्तारण करवाया जाए और उन तक भी सामग्री पहुंचाई जाए। क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ा है? हमारे गांव में जितने भी जो भी वाशिंदे हैं वो सब गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, अपना मजदूरी करके अपना पेट बसर करते हैं। और हमारे गाँव में जो भी प्रशासन की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो हमको अभी तक नहीं मिली है। और पार्षद को भी हम 2-3 बार अवगत करा चुके हैं इस चीज़ से, तो उसने भी कोई सहायता के लिए हमारे को अभी तक प्रोत्साहन नहीं करा है और ना कोई हमारे को लाभ दिया है। और हमारे गांव में उसका अक्षय पात्र का जो खाना मिलता था वो भी हमारे को बंद करा दिया गया है। और हम जो भी है अभी प्रशासन से मदद मांगी है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई सहायता नहीं है। ये क्या पार्षद वगैरह ना कोई भी सहायता वगैरह जो अभी प्रशासनिक जो मिल रही है उनको वो दी या नहीं दी? नहीं नहीं दी सर, अभी तो 2-3 बार जाके आ चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया हमारे। तो अभी कितने करीब लोग हैं आपको? 200-250 आदमी है, गरीब आदमी। अच्छा, आपका क्या नाम है और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम मोहम्मद रईस है, गांव फकीराखेड़ा से, वार्ड नंबर 21 से। हमारे पार्षद का नाम मोहन लालवाणी है, उनको हम दो तीन बार जाके बोल के आ चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी कोई ध्यान नहीं दिया। भैया बताइए क्या परेशानी यहाँ भी आपके सामने आ रही है? हमारा ये गाँव फकीराखेड़ा है, वार्ड नंबर 21 है। हमारे यहाँ करीबन 150-200 गरीब तक के गए हैं, बिल्कुल खुली मजदूरी करने वाला आदमी है। उनको बहुत मतलब खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। हमने सर्वे भी कराया है यहाँ पर और वहाँ लिस्ट भी भिजवा दी हमने। अभी तक वहाँ से किसी तरह की मतलब कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से सहायता वगैरह नहीं मिल रही हमारे को, या कोई भी किसी तरह की कोई पाकिट वगैरह कोई नहीं मिल रहा है। क्या हम ये चाहते हैं भाई जिला प्रशासन की तरह हमारे गाँव में मतलब किसी तरह की मदद मिले और गरीब तबके को किसी तरह उनको सहारा मिले। क्या नाम है? मेरा नाम सिराज मोहम्मद है। और भाई साहब क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जब से हुआ हमारे कोई प्रशासन ने ना कोई ध्यान दिया हमारे, ना कोई हमारे कोई सामग्री आई है, ना कोई राशन पानी आया। और हमारे सारे मजदूर वर्ग के आदमी है और सब घर में बैठे हुए हैं। और हमारे जो संस्था गांव के बनी हुई है उन्होंने चंदा करके हर घर के अंदर अपने 5-5 किलो का कट्टा पहुँचाया। और हमारे जो मोहन लालवाड़ी पार्षद है यहाँ का, वो आके यहाँ भी कुछ भी नहीं पूछा किसी गाँव वालों से, मजदूर से, कि तुम्हारे क्या हाल है। हमारे सिर्फ यही है कि जो भामाशिया है हमारे, वो हमारे को यहाँ सहयोग कर रहे हैं। बाकी और किसी प्रशासन का ना किसी पार्षद का किसी का योग नहीं है हमारे। हमारे सब मजदूर आदमी सब घर में बैठे हुए हैं। ये पार्षद को बताया क्या आपने परेशानी का? पार्षद को कितनी दफे बोल के आए मगर पार्षद सुनाई नहीं कर रहा हमारी कोई भी। कितने दिनों से परेशानी हो? ये परेशानी जब से लॉकडाउन हुआ है जब से ही मतलब हमारा ये काम हो रहा है, क्योंकि हम कोरोना का सहयोग कर रहे हैं। हम घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा, हम खुद जा के घरों में सबको अंदर कर रहे हैं कि नहीं कोरोना को अपन को बाहर नहीं आना, लॉकडाउन में अपन को पालन करना। हम पालन कर रहे हैं मगर मजबूर है, क्या करें। बच्चे परेशान हो रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ परेशानी हो रही है। कुछ सामग्री होनी चाहिए, वो सामग्री हमारे पास तक अभी तक किसी ने पहुँचा सहयोग। कौन सी जगह, क्या नाम है? ये हमारे वार्ड नंबर 21 है और ये फकीराखेड़ा है गांव हमारे। आपका नाम क्या? फखरुद्दीन शाह। आप क्या हो यहाँ गांव के? या मैं अल्पसंख्यक जिला सचिव भी हूँ कांग्रेस से और मैं यहाँ सेवादारी भी हूँ, गांव का रहने वाला निवासी हूँ या सेवादारी भी हूँ।